नमस्ते, आज हम बनाएंगे चीज़ी सोया पास्ता जो खाने में बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के इस तरीके से फैला लेंगे। इसके साथ ही हम इसमें सोया चंक्स डालेंगे एक कटोरी, और चार कटोरी भर के हमने यहाँ पर पास्ता लिया है। और अब हम दोनों चीज़ों को हल्का सा सुनहरा होने तक सेक लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सेक के बनाएंगे पास्ता को तो बहुत ही टेस्टी बनता है। इससे क्या होता है, इसके अंदर जो कच्चापन है वो चला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास्ता अच्छे से सिक चुके हैं। अब इसमें हम दो तीन ग्लास पानी डाल देंगे, थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम एक चम्मच नमक डाल देंगे, फिर से थोड़ा मिक्स करके। और अब हमें हाई फ्लेम पर पास्ता और सोया चंक्स को अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो यहाँ पर हमारे पास्ता अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, एक बार चेक करके देखेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और हल्का सा ठंडा होने देंगे पास्ता को। और इसके बाद इसका हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे किसी छन्नी की सहायता से। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, नॉर्मल वाटर, ताकि ये आपस में चिपके ना। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई में फिर से तेल गरम करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे कटी हुई प्याज, थोड़ा सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई पत्ता गोभी। इसके अलावा आप और भी कोई सब्जियां डालना चाहें तो डाल सकते हैं। थोड़ा सा इनको हमें भून लेना है, ज़्यादा हमें इनको फ्राई नहीं करना है, थोड़ा कच्चापन ही रहने देना है। इसके बाद इसमें हम टोमेटो प्यूरी डाल देते हैं, जिसमें हमने तीन टमाटर और अदरक लहसुन को साथ में पीस लिया था। मटर डाल देंगे। इसके बाद इसमें हम पास्ता मसाला ऐड कर देंगे। इसमें अगर पास्ता मसाला ना हो तो इसकी जगह पे आप मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके बाद इसमें हम घर के कुछ मसाले डाल देते हैं, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया है हमने एक चम्मच, और थोड़ी सी इसमें हल्दी डालेंगे। और अब हमें मसाले को अच्छे से भून लेना है जब तक इसमें से तेल ना छूटने लग जाए। तो यहाँ पर हमारे मसाला अच्छे से भून चुका है, तेल भी रिलीज़ होने लगा है। और अब इसके बाद इसमें हम टोमेटो केचप डाल देते हैं, दो तीन चम्मच के करीब। थोड़ा सा सोया सॉस डाल देंगे एक आध दो चम्मच के करीब। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे एक चम्मच। तो नमक हम थोड़ा ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने पास्ता में भी नमक डाला था उबलते समय। और अब इसमें पास्ता ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले में। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा पास्ता रेडी हो चुका है। लेकिन इसमें लगाना है अभी हमें चीज़ का तड़का। तो ये है हमारी चीज़ क्यूब। तो इस तरीके से आप प्लेट में पास्ता लेके इस तरीके से ग्रेट कर दीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरीके से। तो अगली बार आप जब भी पास्ता बनाएं इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।